तो दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, हमारे कॉकटेल ने ना बच्चे निकाल लिए हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह 3 बच्चे हैं इसके। ठीक है, ये वाला कॉक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं काफ़ी दिन बाद ऊपर आया हूँ क्योंकि हमारे मास्टर केज में जानवर इतने ज़्यादा नहीं है। तकरीबन 4 पिजन हैं और 2 हमारे जो है ना खुमड़े हैं, जिनको हम कहते हैं डब कहते हैं। कुछ हमारी मुर्गी हैं जो कि अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई हैं। उम्मीद है कि ये सर्दियों में अंडे शंडे देना शुरू कर देंगी। और हमारे चूज़े देखे माशाल्लाह फुल मुर्गे बन गए हुए हैं। और मैं आपको आज जाके अपने सील मुर्गे भी चूज़े भी दिखाता हूँ जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ठीक है, ये तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये सुबह सुबह उठ के अजाने भी देते हैं, जिसको बांग कहते हैं। बाकी हमने अपने जो है ना करण अर्जुन को जो है ना इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईद पे करेंगे। ये हमारी बकरी जो कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी बच्चे देगी। और हमारा ये जो है राजू इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी बड़ा भी होगा और इंशाल्लाह ताला हम इसको ईद पे करेंगे। तो अभी अभी मैंने देखा है कि हमारे केज के अंदर 2 चिड़ियाँ जो है ना घुस गई हुई हैं। उन बेचारियों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। ये देखें, एक ये है आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और एक और है, वो भी यहाँ पे कहीं पे छुप के बैठी हुई है। उसको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ ताकि ये बाहर चले जाए। ठीक है, चलो 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 चलो, लो जी वो गई है। ठीक है, माशाल्लाह एक बाहर चली गई है और दूसरी भी अंदर ही है। उसको भी मैं अभी बाहर निकाल देता हूँ। वो देखिए, वो छुप के बैठी हुई है। ठीक है, चलो तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। चलो जी चलो जी, लो जी वो भी गई। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे 2 पिजन जो है वो फ्लाई करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी हमारे ये डव के बच्चे ये मर गए थे, मतलब इनको फिर मैंने बाहर निकाल दिया। अभी हम अपनी ये वाले कबूतर बाहर निकालते हैं। चलो जी, ये देखें जी, वो गया बाहर और ये दूसरा। ठीक है जी, वो देखें जी फ्लाई करके चले गए। अभी हम अपनी बकरियों को नीचे उतारते हैं और साथ में ना अपने चूहों को भी नीचे उतारते हैं, क्योंकि अभी जो है ना डॉग शॉग जो कुत्ते शुत्ते होते हैं वो चले जाते हैं, रात को आते हैं। अभी हमारे पिजन जो है ना काफ़ी ऊपर चले गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इनको भी मैं नीचे की तरफ लेके जाता हूँ और अपनी बकरियों को भी नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, हमारे पिजन मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे कहाँ गए हैं, पर मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। तो दोस्तों वो काफ़ी दूर हमारे पिजन चले गए हैं। बाकी अभी मुर्गियों को नीचे उतारते हैं और उसके बाद जो है ना अपने बकरियों को भी नीचे उतारते हैं ताकि ये नीचे जा खा लें। चलो चलो इनको नीचे उतारते हैं, उसके बाद बकरियों को भी खोलते हैं ताकि वो भी जाके नीचे अपना पेट भर लें, क्योंकि मैंने इनको तूड़ी दाना डाला हुआ था। ये देखो तूड़ी दाना तो इन्होंने खा लिया। अभी जो है ना ये कह रहे हैं भाई जान हमें बाहर जाने दो, बाहर जाने की इनको बहुत एक्साइटेड होती, खुशी होती है कि हम बाहर जल्दी जल्दी चले जाएँ। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इनको उतारते हैं, फिर जो है ना इनके गले में रस्सी डालनी होती है जिसकी वजह से ये आगे भाग जाते हैं, फिर मुझे इनको पकड़ना पड़ता है। इसलिए पहले मैं इनको नीचे उतारता हूँ। ले जी, मुर्गियाँ हमारे नीचे जाना शुरू हो गई हैं। अभी मैं खोलता हूँ इनको, तो इनको भी नीचे लेके चलते हैं। लो जी, बकरियाँ हमारी चले गई हैं, इनको मैंने रस्सी डाल दी है। इनको खोलते खोलते ये देखिए मेरी उंगली से ब्लड निकलना शुरू हो गया है। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, अभी इनको बांधते हैं। तो बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पानी पानी इकट्ठा हो गया है। बहरहाल अभी चलते हैं हम अपने दूसरे सेटअप के ऊपर, जहाँ हमने लव बर्ड और येलो रिंगनेक लगाए हुए हैं। ठीक है, अभी ये यहाँ पर खाएंगे तो शाम को इनको ऊपर ले जाएंगे। बाकी अभी चलते हैं अपने येलो रिंग। तो दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, हमारे कॉकटेल ने ना बच्चे निकाल लिए हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह 3 बच्चे हैं इसके। ठीक है, ये वाले कॉकटेल ने हमारे 3 माशाल्लाह बच्चे दिए। एक को तो मैंने पकड़ा हुआ था बाहर। ठीक है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है सबसे छोटा एक। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रीड हमारी आ गई है अपने ये वाले केज में। बाकी हम अभी जाते हैं दूसरे केज की तरफ। ठीक है, वहाँ पे जाके देखते हैं अपने, हमने कल के पेड़ जो है ना सेपरेट सेपरेट कर दिए हुए हैं, अपने अपने केज में निकाल दिए हुए हैं। उनके इस तरह के बॉक्स आने वाले हैं, वो इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल लेने जाएंगे इनके बॉक्स, और वो सेटअप हम मुकम्मल अपना करेंगे। बाकी ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे बच्चे हैं, और ये देखें ये हमारे पेड़ ने बच्चे दिए हैं। तो दोस्तों भी हम अपने दूसरे सेटअप पे मौजूद हैं, जहां हमने येलो रिंगनेक लगाए हुए हैं और उसके बाद लव बर्ड लगाए हुए हैं अल्बाइनो रेड आइज में। ये सारे रेड आइज हैं अल्बाइनो। ठीक है, और ये हमारे दूसरे हैं लटीनो वगैरह, और पर्सनालिटा है कुछ फिशरी है। उसके बाद ये भी एक पेड़ है ये भी, और ये देखें। तो बाकी अभी इनको दाना चना डालते हैं।
सुबान भाई आ गए मेरे पास। सुबान भाई चलो अपनी ड्यूटी पे लग जाओ, दाना शाना डालो इनको ताकि ये दाना शाना खा ले अपना। दाना डालो दाना जल्दी। ये देखें इतना गंद पड़ा हुआ है, इतना इन्होंने दाना खा लिया 4-5 दिन में। ये देखें टापा दा बढ़ गया हुआ है, बाकी अभी कुछ गिरा दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। बाकी इनको सुबान भाई दाना डालने लगे, दाना भी हमारा खत्म हो गया, ये भी जाके लाते हैं। उसके बाद जो है ना फिर चलते हैं ऊपर वाली छत पे, ऊपर वाली छत पे जाके चूजे देखते हैं अपने, फिर अपने नीचे आके फिर चलते हैं घर की तरफ। ऊपर आ गए तो अब ऊपर जाके अपने चूजे देखते हैं। बहुत ईद के बाद अब मैं ऊपर आया हूँ तो आज जो आपको जाके दिखाते हैं तोते। और अभी मैं और सुबान भाई ऊपर जाने लगे हैं। तो चप्पल भाई को कीड़ा बहुत चलना है कबूतर डालने का, मुझे नहीं चल रहा, मैं बस अपने चूजे दिखाने आया हूँ दोस्तों को, क्योंकि वो काफी बड़े हो चुके हैं। ईद के बाद हम जो है ना अभी आए हैं छत के ऊपर, ठीक है। बाकी ये जाली लगी हुई है, सुबान भाई तो ऊपर चले गए, मैं भी ऊपर चलता हूँ और देखते हैं अपने चूजे, क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे टू फ्राइडे मैं यहाँ पर आता हूँ जहाँ हमने अपने चूजे छोड़े हुए हैं। तो माशाल्लाह देखें मुर्गियाँ बन गई हैं, माशाल्लाह चेक करें, ये देखिए माशाल्लाह जी मुर्गियाँ बन गई, ये तो बहुत ही प्यारियाँ हो गई हैं। सुबान जो हमें मुर्गा लगता है वो भी मुर्गी है, दोनों मुर्गी हैं जो हमें मुर्गे लगते थे, जिनकी हाइट सबसे बड़ी है ना वो हमें मुर्गे लगते थे, एक ये और एक वो वाला, ठीक है। पर वो दोनों मुर्गियाँ निकली हैं, काफ़ी दिन बाद ऊपर आए हूँ, माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर चुके हुए हैं। और एक वो बच्चा निकला हुआ काफ़ी बड़ा हो गया कबूतर का। बाकी यहाँ पर बैठते हैं थोड़ी देर, तो मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर ये गढ़ होते ना तो इनको अब तक बिल्ली ने खा लिया होना था, ठीक है। क्योंकि आगे भी हमारे जो है ना सील ही मुर्गी लेके जाती थी, क्योंकि वो डरते नहीं थे मुर्गी से, इस वजह ओ बिल्ली से डरते नहीं थे, इस वजह से वो उनको खा जाती थी। तो अभी माशाल्लाह ये देखें और 3 महीने तक इन्होंने बढ़िया बड़ा साइज इतने इतना माशाल्लाह हो जाना, मुर्गा और मुर्गियाँ बन जाएंगी तैयार होके। सुबान भाई बैठे हुए हैं गुमसुम, क्यों गुमसुम बैठे हुए हो घास काफी है। मैं और सुबान भाई ने सोचा कि क्यों ना अपनी बकरियों को यहाँ लेके आए और हम कुछ देर तक जब तक अजान नहीं होती तब तक यहाँ पर बैठ के इनको खिलाएं पिलाएं, फिर हम जो है ना वापस चले जाएंगे। बाकी हमारी बकरी और बकरा जो है ना अंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी बहुत होंगे क्योंकि देखें झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। बाकी हमारे वो है बकरी और बकरा, बाकी पसीना बहुत ज़्यादा आ गया, मैंने इनको उठाया मुझसे उठाए नहीं गए। तो अभी हम यहाँ पर बैठने लगे हैं कुछ देर के लिए ताकि ये थोड़ा सा खा पी लें। ये देखें पानी पानी हुआ है सारी सारे खेतों में। बाकी सुबहान भाई बूटी छूटी वावा लगी। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओके मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। ओके अल्लाह।